हेलो बच्चों, आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 20, 21 एंड 22। दो सीरीज आपको दे रखी है, पहली है ए आर स्क्वेयर अप टू डैश 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड सीरीज दे रखी है ए आर स्क्वेयर अप टू डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस वन। ओके, दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कहता है ये जीपी सीरीज में है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म को। ए ए ए ए आर आर ए ए आर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर दिस वन इज नॉट हेयर एंड सो ऑन। ए ए आर टू दी पावर एन माइनस वन और आर की पावर एन माइनस वन। जीपी सीरीज प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ए टू अपॉन ए वन इक्वल्स टू ए थ्री अपॉन ए टू होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगी ए टू अपॉन ए वन, यानी ए ए आर आर अपॉन ए ए इक्वल्स टू ए ए आर स्क्वेयर अपॉन ए ए आर आर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका क्या रह गया ए आर, यानी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। सो सीरीज इन ए पी जी पी। सो द सीक्वेंस इन जीपी, ओके, एंड कॉमन रेशियो रेशियो इक्वल्स टू कॉमन रेशियो आपका क्या आया, आर स्मॉल आर कैपिटल आर आर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर टर्म्स फोर नंबर्स फॉर्मिंग द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। कह रहा है एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसमें कि चार टर्म्स हैं, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ले लेते क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन, तो आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस लेनी होती है जो मैंने बता चुकी हूँ। एक जनरल वाला ले लेंगे ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9, यानी ए थ्री इज इक्वल्स टू कह रहा है ए प्लस 9। ओके, ए वन प्लस 9, तो ए थ्री की जगह क्या डाल देंगे ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 9। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, यानी ए फोर इक्वल्स टू ए टू प्लस 18। तो ए आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए आर प्लस 18। अब क्या करेंगे, इसमें से सेकेंड टर्म बाय द ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म यानी ए आर क्यूब, सॉरी ए आर क्यूब। तो अब देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ये दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से में क्या करेंगे, ए आर स्क्वेयर माइनस ए इक्वल्स टू 9 और ये हो गया ए आर क्यूब माइनस ए आर इक्वल्स टू 18। अब इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या रह गया आर स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 और इसमें से ले लिया ए आर कॉमन तो हो गया आर स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे यानी फर्स्ट को सेकेंड को,
दिस वन इज द थर्ड, ओके, दिस वन इज द फोर्थ. तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय बाय फोर, ओके. तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ए आर आर स्क्वेयर माइनस वन इक्वल्स टू नाइन बाय एटीन. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया टू. तो आर इज इक्वल्स टू आ गया आपका टू. अब जब आर आपका टू आ गया तो आर की वैल्यू आप किसी में भी इक्वेशन में डाल देंगे. फर्स्ट इक्वेशन में सपोज डाल दी तो ये हो जाएगा फोर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस नाइन. तो ये कितना हो गया, ए इज इक्वल्स टू आ गया थ्री. अब ए की वैल्यू थ्री आ गई. अब ए की वैल्यू आप थ्री डाल के इक्वेशन को बना लेंगे तो इक्वेशन आपकी क्या हो गई, इक्वेशन में ये बताती हूँ आपको, इक्वेशन आ गई आपकी थ्री कॉमा थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व अप टू डैश 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 एंड फोर्थ फोर्थ चार ही टर्म है एंड ट्वेंटी फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पीएथ टर्म इक्वल्स टू क्यू. हाँ, पीएथ एंड क्यूएथ एंड आरएथ टर्म आर ए बी सी. तो अब पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू, इसका मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लेती हूँ तो हो जाएगा कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन. ऐसा क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके स्मॉल आर और स्मॉल ए है इसलिए. तो ए पी आर ए पी ये हो गया. ए क्यू क्या है, ए क्यू है आपका ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन और ए आर है ए आर की पावर आर माइनस वन. इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. अब क्या करेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें बोथ साइड में पावर क्यू माइनस आर कर देंगे. इसका भी पावर क्यू माइनस आर कर दिया, इसका भी पावर आर माइनस पी कर दिया और इसका आर माइनस पी कर दिया और इसका पी माइनस क्यू कर दिया और इसको भी पी माइनस क्यू कर दिया. अब वन टू थ्री इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर ली. तो ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर p माइनस वन पावर q माइनस आर ए आर की पावर q माइनस वन आर माइनस पी ए आर की पावर ए कैपिटल r की पावर r माइनस वन पावर p माइनस q इक्वल्स टू a टू दी पावर q माइनस आर बी टू दी पावर आर माइनस पी सी टू दी पावर पी माइनस q. अब ये क्या हो जाएगा, a की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस q. ऐसा क्यों हुआ, ये जो पावर है इस पर आ जाएगी, ये पावर इस पर आ जाएगी, ये पावर इस पर आ जाएगी और पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. एंड आर की पावर आपका हो गया पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन और पी माइनस क्यू. ये कैंसिल
तो ए टू दी पावर क्या हो गया, जीरो। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। प्रूफ हो गया।